घरेलू उपाय में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताऊंगा मस्जिद में साईं बाबा क्यों जलाते थे दिवाली का दिया। जी हाँ, आज मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। साईं बाबा एक मस्जिद में रहते थे जो पहले खंडहर ही थी, लेकिन बाद में भक्तों ने उसको ठीक ठाक कर दी थी। मस्जिद के पास ही और भी कई स्थान था जहां बाबा विहार करते थे, विश्राम करते और उपदेश देते थे। साईं बाबा के शिरडी में आने के बाद से शिरडी और आसपास के मुसलमान हिंदुओं के साथ दिवाली का त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते रहते थे। उसी तरह ईद भी मनाई जाती थी। संध्या के समय साईं बाबा गांव में जाकर दुकानदार से भिक्षा में तेल मांगते और मस्जिद में दिया जलाया करते थे। एक दिन एन दिवाली के वक्त जब बाबा दुकानदार से तेल मांगने गए तो उन्होंने तेल देने से मना कर दिया। गांव के प्रत्येक दुकानदार ने बाबा को यह कहते हुए तेल देने से इनकार कर दिया कि आज तो उनके पास अपने घर में जलाने के लिए भी तेल की एक बूंद भी नहीं है। सभी दुकानदार ने आपस में यह निश्चय किया था कि वह बाबा को भिक्षा में तेल न दे और अपना महत्व बनाए। अहंकार से भरे हुए दुकानदारों ने सोचा कि देखते हैं कि बाबा आज किस प्रकार मस्जिद में दिया जलाते हैं। अतः बाबा को खाली हाथ ही मस्जिद में लौटना पड़ा। साईं बाबा के मस्जिद खाली हाथ लौटने पर उनके शिष्य निराश हो गए। भक्तों की निराशा को देखकर बाबा ने मस्जिद के अंदर बने हुए कुएं में से एक घड़ा पानी भरकर खींचा। बाबा ने उस घड़े में अपने डिब्बे से बचे हुए तेल की कुछ बूंदें डाल दी। बाबा इस डिब्बे में भिक्षा में तेल लाते थे। भक्त चुपचाप खड़े उनके उन उनको यह सब करते हुए देखते रहे। बाद में बाबा ने सब घड़े का पानी दियों में भर दिया। फिर रुई की बातियां बनाकर उन दियों में डाल दिए और फिर बाती जला दी। सारे दिए जगमग कर जल उठे। यह देखकर शिष्यों और भक्तों की हैरानी का ठिकाना न रहा। इस चमत्कार को शिरडी वाले ने अपनी आंखों से देखा। इसी कारण से साईं भक्त दिवाली के समय भगवान का पूजन कर उनकी आरती भी किया करते हैं। दोस्तों, मुझको पूरा पूरा यकीन है कि आप भी जान गए होंगे कि जो साईं बाबा थे वह मस्जिद में साईं बाबा क्यों जलाते थे दिवाली का दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहे हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो या ऐसे ही वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।